नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, युग्मित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 को देखे होंगे तो शायद इसको भी अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग जो है कैसे करेंगे, इसको हल लिखते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग 8वां और 9वां क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि वीडियो के लास्ट में हम दे देंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इतने इतने के रूप का दिखेगा किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो क्योंकि धनात्मक पूर्णांक इसमें यम लिया है। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम लोग मान लेंगे कोई पूर्णांक क्या है, ए है, माना ए मान सकते हैं आप लोग, यक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि कोई पूर्णांक ए है। ठीक है, कोई पूर्णांक ए है जिसका घन करने पर इस रूप का प्राप्त होगा। अब देखिए, इस रूप का प्राप्त होने का मतलब क्या, यहाँ जो है हम लोगों को अगर है देखिए किसका घन होगा, तो ये जो है क्लियर है कि 3 का घन किया गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ भाई ये जो है घन करने पर ये प्राप्त हुआ है, और किसका घन होगा ये, तो 3 का घन किया गया होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ बी बराबर जो है लेंगे 3। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बी बराबर क्या लेंगे, 3। ठीक है ना, तो अब बी बराबर 3 हो गया, तो ए के क्या क्या मान प्राप्त हो सकते हैं यदि आर बराबर, तब क्या हो जाएगा, यदि तब यहाँ माना कोई पूर्णांक ए है और यहाँ जो है इस रूप के प्राप्त करने के लिए बी का मान 3 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बी बराबर भी माना हमने जो है क्या है 3 है, तो आर का मान क्या प्राप्त हो सकता है, तो आर बराबर क्या क्या हो सकते हैं, अब 0, 1 और 2, यही ना हो सकते हैं आर के मान। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे युग्मित विभाजन प्रमेयिका से, युग्मित विभाजन प्रमेयिका से युग्मित विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम लोग जो है क्या लिखेंगे युग्मित विभाजन प्रमेयिका से, सर्वप्रथम लिख सकते हैं, प्रथम आर बराबर 0 रखने पर, सर्वप्रथम आर बराबर 0 रखने पर ए का मान क्या प्राप्त हो सकता है युग्मित विभाजन प्रमेयिका से, भाई युग्मित विभाजन प्रमेयिका यही ना कहता है कि ए बराबर है क्या बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग मान रखते हैं युग्मित विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा ए बराबर बी क्यू धन आर, तो सर्वप्रथम आर बराबर 0 रखने पर ए के मान क्या प्राप्त हो सकते हैं, तो बी, अब बी के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, और क्यू प्लस में आर का मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ जो है ए का अगर क्यूब करते हैं तो जो है भाई 0 का मतलब 0, एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो ए बराबर लिख सकते हैं 3 क्यू। ठीक है, तो अब जो है भाई इसका क्या करना है, हम लोगों को घन करना है, तो अब हम लोग जो है इसका घन करते हैं। ठीक है, तो ए का क्यूब बराबर 3 क्यू का क्यूब, घन का मतलब क्यूब, तो क्यूब, तो अब देखिए तो ए का क्यूब बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3×3=29, ये हो जाएगा, मैंने 3 का घन करेंगे तो 3×3=29 हो जाएगा होगा, और क्यूब का क्यूब करेंगे तो जो है क्यूब ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है यहाँ जो हम लोग क्या कामन ले सकते हैं, 9 कामन ले सकते हैं, तो 9 कामन लेंगे तो 3 क्यूब का घन हो जाएगा, 3 क्यूब का घन, जहाँ की कहा गया है कि अगर 3 क्यूब कोई धनात्मक पूर्णांक यम है, मैंने कोई भी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए, तो कोई धनात्मक पूर्णांक 3 क्यूब, यहाँ हम लोग बस मान लेना है कि 9 के बाद से जो कॉमन है ना वहाँ यम ले लेना है। ठीक है, तो 3 क्यूब का क्यूब बराबर हम लोगों को क्या ले लेना है, यम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 9m। ठीक है, तो ए का क्यूब जो है करने पर क्या प्राप्त हुआ, 9m। ठीक है, एक केस ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है कि यदि जो है अब दूसरी बार यदि आर बराबर हम लोग क्या लेते हैं 1, तो युग्मित विभाजन प्रमेयिका से ए का क्या मान प्राप्त हो सकता है, 3 क्यू और प्लस में जो है 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो इसका वर्ग करेंगे, तो ए का वर्ग करेंगे तो इसका 3 क्यू प्लस 1 का भी
घन करेंगे, सॉरी घन करना है, ठीक है, तो घन कर दिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3 ए बी ए प्लस बी होता है ना जी, हाँ 3 ए बी ए प्लस बी होता है ना। तो अब देखिए इसी सूत्र से हम इसको क्वेश्चन को तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यू का घन प्लस में 1 का घन प्लस में 3 क्यू माने 3 ए बी, तो इसको ये माने इसको भी माने तो 3 तो रहेगा ही, ये यहाँ पे 3 रहेगा 3 ए बी, तो का मतलब ये अभी का मतलब 1, फिर से 3 क्यू प्लस में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 क्यूब का 3 का घन करेंगे तो 3 × 3 = 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 का घन करेंगे तो 1 होगा, 3 × 3 = 9 तो यहाँ हो जाएगा 9 क्यूब और फिर 3 क्यूब प्लस में 1 होगा, होगा ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 27 क्यूब का क्यूब धन में इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए तो 3×9 = 9, 3×27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 9 क्यू रहेगा, अब प्लस में इस 1 को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, हो गया। अब इसमें देखिए इसमें और देखा जाए तो कहाँ तक कामन निकलने का चांस है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, यानी कि इसमें से कितना कामन निकल सकता है, 9, तो यहाँ 9 कामन ले लीजिए, ठीक है। अब कामन लेने के बाद से जितना ब्रैकेट में आएगा उसको हम ले लेना है हम लोग को, तो 9 कामन लेते हैं तो 3 × 9 = 27 आएगा क्यूब प्लस में 9×3 = 27 क्यूब का वर्ग प्लस में जो है 9 बाहर निकल गया तो क्यूब, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है। अब इतना बराबर हम लोगों को क्या ले लेना है, m ले लेना है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस में 1, यहाँ लिख दीजिएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस में क्यूब बराबर क्या ले लेना है, m, बस, ठीक है, इसलिए क्योंकि इतना m है, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है। अब एक स्टेप पे हो गया, यानी कि a का क्यूब कितना हो गया, इतना हो गया। अब यदि फिर यदि यदि फिर r बराबर क्या लेते हैं, 2, ठीक है, तो a का क्या मान प्राप्त हो सकता है, a बराबर प्राप्त हो सकता है 3 क्यू प्लस में 2, ठीक है, 3 क्यू प्लस में 2, तो a का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब और इसका क्यूब करेंगे तो 3 क्यू प्लस में 2 का होल क्यूब होगा, और फिर इसका जो होल क्यूब करते हैं वही a प्लस बी के होल क्यूब से, तो ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब क्यूब प्लस में जो है 3 ए बी, तो 3 तो रहेगा ही, 3 क्यू × 2 प्लस में 3 क्यू प्लस में 2 होगा ना भाई, ए प्लस बी के होल क्यूब करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ जो है ए होगा ये रखिएगा, बी रहोगे तो मतलब ए का वर्ग का मतलब इसका क्यूब, सॉरी ए का क्यूब का मतलब इसका क्यूब, बी का क्यूब का मतलब इसका क्यूब किया, उसके बाद 3 ए बी, तो 3 का मतलब 3 ए बी का मतलब ये 3 क्यू और बी का मतलब 2, ठीक है, गुणा हो गया आपस में, और फिर 3 ए बी होता है, ए प्लस बी होता है तो ए प्लस बी रख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको फिर लिख सकते हैं 3×3 = 27 क्यू का क्यू प्लस 2×2 = 4×8 प्लस में हो जाएगा 3×9 = 18 3×9 = 9 = 18 तो हो जाएगा 18 क्यू, इसको जो है 3 क्यू प्लस में 2 हो जाएगा, फिर या इसको लिख सकते हैं हम लोग 27 क्यू का क्यू प्लस में, अब इसको जो है ब्रैकेट खोल लीजिए और इसको लास्ट में लिखिएगा, ठीक है, 8 को इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो 18 × 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में जो है 18×36 क्यू प्लस में ये 8 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 8, ठीक है। अब जो है देखिए क्या क्या कामन निकल सकता है, 9 आराम से
कॉमन निकल सकता है तो इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग 9 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग, हाँ। तो यहाँ कॉमन निकालते हैं इसमें, तो 9 अगर कॉमन निकालते हैं तो 9 × 27 यानी कि 3 क्यू का क्यू हो जाएगा, फिर 9 × 6 = 54 तो प्लस में जो है 6 क्यू, 9 × 6 = 54 तो 6 क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 36 तो प्लस में 4 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में हो जाएगा 8 हो गया। तो अब देखिए इतना बड़ा हम लोग को क्या कोई धनात्मक पूर्णांक क्या ले लेना है, तो 9 इसका मतलब हो गया यहाँ, ठीक है। इसका मतलब हो गया 8 तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 9m प्लस, यहाँ प्लस रहेगा प्लस 8, ठीक है। 9m प्लस 8 यहाँ लिख दीजिएगा, ये इतना बराबर m लिख दीजिएगा इधर कहीं आप लोग कि इतना बराबर है m के, यहाँ लिख दीजिएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 4 क्यू बराबर लिख दीजिएगा m, ठीक है ना। तो यहाँ m रख दिया यानी कि 1 क्यूब बराबर हो गया कितना, इतना, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए कोई संख्या जो किस किस रूप का हो सकता है, तो ये 9 प्लस कहाँ है पहला पहला 9m के रूप हो सकता है, 9m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, और फिर 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, ठीक है। बस और लास्ट में स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा, अतः इतने इतने रूप का हो सकता है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर, अतः स्पष्टीकरण में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर कहीं जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ आप लोग जो है क्रम से लिख दीजिएगा कापी में अपने जहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ स्पष्टीकरण लिख दीजिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता, ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अधिक अपने यार दोस्तों को बताइए, ठीक है। और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। आप लोग अपने कमेंट में जो सवाल बताएंगे, ठीक है, उसको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।